कोरोना से निजात की दिशा में भारत एक कदम और आगे बढ़ गया है। कोरोना वायरस के टीके को लेकर लगभग सभी अड़चनें खत्म हो चुकी है। कम तापमान की वजह से अब नए कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं है। भारत अगले वर्ष 3 अलग अलग टीकों के साथ कोविड 19 का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगा। सोमवार को केंद्र सरकार के तमाम विशेषज्ञों के साथ टीकाकरण को लेकर हुई बैठक में रणनीति को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय टास्क फोर्स के शीर्ष अधिकारियों के अलावा दवा कंपनी के सीईओ भी मौजूद थे। बैठक में लिए गए फैसलों को देर शाम तक पीएम ने भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को देश के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रणनीति में, इसमें सबसे अहम है कि राज्यों को टीका की खरीद नहीं करनी है और केंद्र की ओर से समानता का अधिकार रखते हुए सभी राज्यों को बराबर संख्या में रोज उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में आवश्यक लोगों की संख्या अधिक होने के चलते वहां की सरकारों से बेहतर रणनीति पर काम करने की सलाह भी दी जाएगी। रणनीति में नहीं हुआ बदलाव। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टीके को लेकर भारत शुरुआत से जिस रणनीति को लेकर चल रहा था उसमें अब बदलाव नहीं किया जाएगा। अब जब एस्ट्राजेनेका के परिणाम संतोषजनक सामने आ चुके हैं और भारत बायोटेक का अंतिम परीक्षण भी जा रही है, ऐसे में सरकार इन दो कंपनियों के टीके को लेकर आगे बढ़ेगी। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।